गाइस, भाई साहब जब से मेरे पैर की हड्डी टूटी है, इसमें फ्रैक्चर हुआ है, तब से मैं अपने बेड पर पड़े पड़े बुरी तरीके से बोर हो चुका हूं गाइस। और इसीलिए आज फाइनली निकल कर आ चुके हैं और आज करेंगे बहुत ही मजेदार चैलेंज गाइस। मेरे पीछे यहां पर है ये मौत का कुआं जिसके अंदर मेरी ये उंगली भी टूटी थी और हमने इसको पिछले वीडियो में बनाया था, उसके बाद में कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज हम करने वाले हैं इसके अंदर 24 आवर्स इन मौत का कुआ चैलेंज। और ये लोग रहेंगे भाई मौत के कुएं के अंदर, और इनमें से जो बंदा लास्ट तक सर्वाइव कर पाएगा वो जीत जाएगा पूरे 1,00,000 रुपए। और गाइस यहाँ पर देखो 5 बंडल्स हैं, तेरे में ज्यादा ही जोश है अभी, यहाँ पर 5 बंडल्स हैं तो टोटल हो गए 1,00,000 रुपए। और साथ ही साथ में मैं रहूंगा बाहर इनकी छाती के ऊपर मूंग दलने के लिए। अच्छा ठीक है, और मैं इनको पूरा परेशान करने की कोशिश करूंगा, पूरा टॉर्चर करने की कोशिश करूंगा ताकि ये लोग बाहर आ जाएं। तो फटाफट से शुरू करते हैं, आप सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना गाइस। दोस्तों ये जो है मौत का कुआ है जैसा मेलों वगैरह में होता है, और पिछली बार मैं इसका साइंस एक्सप्लेन करना ही भूल गया था। तो होता कुछ ऐसा है कि जब आप किसी गोल चीज़ के अंदर बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर आपको एक फोर्स मिलता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और वो चीज़ आपको गिरने नहीं देती, जो कि आपको मौत के कुएं में देखने को मिलती है, जहाँ पर बाइक या गाड़ियों को जो है वो चलाते रहते हैं हवा में। हमको देख के लगता है कि ये कैसे हो रहा है, ये जो गाड़ियां नीचे क्यों नहीं गिर रही हैं? तो गाइस उसके पीछे साइंस होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो चिपका के रखता है गाड़ियों को मौत के कुएं की दीवारों पर। और इसीलिए हम पिछले वीडियो में भाग भी पा रहे थे इन दीवारों के ऊपर, और भागते भागते जो है मुझे लग भी गई थी। चलो भाई तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है इन 3, 2, 1 गो। जाओ भाई जाओ 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 जाओ। तो भाई सारे लोग नीचे जा चुके एक झटके। ओए तू भी जा, चल 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 अंदर जा ना। हाँ फटाफट जा भाई सब है। ओए जाओ 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 जल्दी जा, जल्दी जल्दी जल्दी, देख ले तेरा पूरा नहीं होगा नहीं तो चैलेंज। तो गाइस मैंने सबको भेज दिया भाई, ये गया। गाइस ये प्लान नहीं था, इसको नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था क्योंकि मुझे सबको भेजना था मौत के कुएं में, और मैं बाहर पूरी कोशिश करूंगा इन सारों को बाहर निकालने की यहाँ से, और फिर मजा आएगा। ओए तुम उसी हिसाब से चलोगे जैसे मैं चलाऊंगा बिग बॉस, इधर देखो। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि अभी इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी ये लोग जोश जोश में गए हैं, इनकी थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाने देते हैं तो मज़ा आएगा। इनको लगभग 15-20 मिनट आधा घंटा इसमें छोड़ देता हूँ, और मैं पहले बैठ के रेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी रेस्ट भी चाहिए गाइस, मेरे पैर को भी थोड़ी सी रेस्ट चाहिए। तो मैं यहाँ बैठ गया हूँ, एक काम करता हूँ मैं चेयर को वहीं डाल लेता हूँ जाके, ताकि मैं इन पे नज़र भी रख सकूँ। और भाई पता है ये लोग अंदर कैसे बैठे हैं, जैसे किसी की मौत पर जा कर के बैठते हैं ना, तो देखो ऐसे बैठे हुए हैं, देखो कैसे लग रहा है। अरे कैसे बैठे हो तुम? अरे क्या हो? और इनके पास पता भाई, इनके पास ना कुछ पानी है ना कुछ खाने पीने का है, और मैं तो कुछ दे भी नहीं सकता क्योंकि मेरे तो वैसे ही पैर में लगी हुई है, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता, और मेरे भरोसे चले गए ये लोग। सब मिलेगा, टैक्स करने पड़ेंगे अपना नु ही है। भाई जाते ही ये लोग लड़ाई करने लग गए हैं, और हल्ला हो रहा है बहुत ज्यादा, एक दूसरे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से निकल नहीं सकते अब तुम 24 घंटे तक, जिसको जीतना है। ये भगवान क्या जुलूम है। ओए लड़ाई कर लो सारे, एक दूसरे के रख दो भाई। इन लोगों का प्लान बन चुका है चप्पल लड़ाई करने का, अंदर एक दूसरे चप्पल मारने का, मैंने कुछ नहीं कहा। ओ देखो लड़ो लड़ो लड़ो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अंदर खतरनाक लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को बाहर निकालने के लिए दमादम मार रहे चप्पल। ओए पानी जिसको चाहिए उसको डांस करके दिखाना पड़ेगा, अंदर ही अंदर करो करो करो। हो गया? नहीं नहीं सबको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बोतल चाहिए, बोतल चाहिए, बोतल तू मुझको उधार दे। और इन लोगों के लिए राशन वाशन यहाँ पे रखा हुआ है सारी चीजें, तो मैं इसमें से कुछ निकालता हूँ। ये रही पानी की बोतल, ये मैंने निकाली। ये लो पानी की खुशी देख रहे हो गाइस।
किस किस को चाहिए पानी? मुझे। ले। अबे साले। और किसको चाहिए? ले भाई, ये लो। ये लो। चलो गाइस, पीने का पानी ज्यादा वेस्ट नहीं करते। टक्कर बंद करो। जब जी आ कर सके थे तो मैं ना कर सकोगे? हैं? समझ रहे हो ना? तो भाई मैंने दे दिया क्योंकि पीने का पानी था, नहीं तो सारा डाल देता इनके ऊपर। गाइस पानी नहीं मिला तो मुझे मेरा पैसा पीना पड़ेगा। दो बोतल पानी थी 6 लोगों के लिए, लेकिन ये अकेला एक बोतल पी गया। गद्दार करतार गद्दार गद्दार का टैग दे दो। और गाइस नीचे जाए, बहुत ज्यादा गर्मी थी तो मैं थोड़ा ऊपर आ गया, यहाँ पे थोड़ी हवा लग रही है। और ये लोग देखो कहाँ पे भाई, बहुत ज्यादा नीचे है। तो मैं देखो कहाँ खड़ा हूँ। भाई अब इन लोगों को मैं पिलाऊंगा कोल्ड ड्रिंक, थोड़ी सी मैं ही पी लेता हूँ पहले। हाँ ये कर लो पहले। तो गाइस हम लोग अभी चैलेंज में ये लोग तो कर ही रहे हैं, और एक भाई जो है वो मिलने के लिए आए हैं। अब यार मेरे हाथ से हैंडल इतना ही हो रहा है, कैमरा इधर आ जाइए प्लीज। ये भाई है, क्या नाम है आपका भाई? भावेश। हाथ मिलाओगे? भावेश कहाँ से आए हो आप? शाहपुरा। शाहपुरा से आए हैं भाई, और एक्चुअली में भाई हम लोग शूट कर रहे थे तो हमने बोला भाई बाद में मिलते हैं, बोले यार बहुत दूर से आए। मैं कहा चलो ठीक है भाई आ जाओ, एट क्लास में पढ़ते। इतने दिनों से मिलना चाहता था पर। अच्छा इन लोगों को जानते हो? इनको जानते हो? अंदर जाओगे आप इसमें? क्यों नहीं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कौन पिएगा कोल्ड ड्रिंक? बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीने वाले थे, सब पीछे हट गए। कौन पिएगा? अब भाई पता है ये लोग इससे बाहर तो भाग ही नहीं सकते। और मेरे पास है कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर वाली बोतल। ये लो, ये लो। गाइस ऐसे लग रहा है कि पूरे 10 दिन से मैं से मजदूरी करवा करवा के खड्डा खुदवाया हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है तो हम जनता से अपील करना चाहेंगे, हमें एसी या पंखा उपलब्ध करवाएं भाई। एहे, रहा नहीं जाता। ये काम एक ही कमीना कर सकता है। यहाँ पे बदबू आ रही है, किस चीज की बदबू आ रही है? भाई बदबू का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, लो प्लीज बिग बॉस छिड़क दो, हमें दे दो। ये लो छिड़क लो, खूब बढ़िया भाई। इनको फ्रेशनर दे दिया, और अंदर पता है जब ये छिड़केंगे ना उसके बाद में ये क्या कर रहे हैं भाई। अब तो ऐसे थोड़ी करोगे। और पता है अंदर छिड़केंगे उसके बाद में वो गैस बाहर नहीं जाएगी, फिर अंदर बहुत ज्यादा स्मेल आएगी इनको। अगर कोई अभी क्विट करना चाहे तो उसके पास बहुत अच्छा मौका है, और अगर अभी कोई क्विट करेगा तो उसे 10,000 रुपए मिलेंगे पूरा बंडल। बताओ किसको क्विट करना है भाई? अरे कहीं ऐसा ना हो कि 1 लाख के लालच में 10,000 भी जाए, देख लेना, क्योंकि वो 1 किलो एक बंदे को ही मिलेंगे 1 लाख। कौन जा रहा है बताओ? किसको चाहिए ये? 10 किसको चाहिए ये बताओ? आ जाओ तो आ जाओ गाइस, यहाँ पर शशिकांत ने किया है क्विट और 10,000 रुपए मिलते हैं आपको, आ जाओ। चलो भाई तो भाई एक कैंडिडेट क्विट कर चुके हैं, और यहाँ पर मिलते हैं इनको 10,000। चलो, और अब जो है 5 लोग बचे अंदर, और 1 लाख रुपए का कॉम्पिटिशन है 5 लोगों के लिए। स्नीकर्स कौन खा, हाइड एंड सीक कौन खाएगा बताओ? बोलो, कोई नहीं खाएगा। ये लो मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये नीचे धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी मोती कुएं में। ठीक है, ये आ गया, वो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ये बिक गई है गवर्नमेंट। मुझे पता था सारे मना कर रहे थे, देखो हालत। भाई ये कह रहे थे 10,000 रुपए बिक गया, खुद 10 रुपए का हाइड एंड सीक में बिक गए। भाई मैं क्यों भूखा रहूं? अरे भाई दया आ गई मुझे तेरे पे, ले ऐसे देखो कैसे खड़ा हुआ है, ले
भाई मैंने सोचा कि थोड़ा सा पुण्य का काम कर लूं, इन लोगों को पिलाई देता हूं कुछ, लेकिन ऐसे फोकट में नहीं जाएगी भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तुमको। ओए ओए देख बाहर रख रहा, देख क्विट हो गया, तू क्विट हो जाएगा, हटा ले इसको। ओए ऊपर, अगर अगर तुमने ऊपर अंकित, ओए ओए अंकित तेरा क्विट हो गया, निकल जा बाहर, तूने बाहर हाथ रख दिया, खत्म है। ना ना नहीं रखा, तूने रखा है कैमरा में, आया ना कैमरा में भी आया होगा। अरे बाहर हाथ, देख मेरी बात सुन, पहले मैंने वार्निंग दी, अंकित ऊपर मत रख, नहीं माना तो दोबारा नहीं बाहर आ जा। अरे हो गया तेरा, खत्म हो गया, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई, साफ साफ कट है यार, मैं दो बार देखा मैंने भाई, अंकित चैलेंज से बाहर हो चुका है क्योंकि इसने बाहर हाथ रखा। मैंने सोचा पता नहीं है, मैंने वार्निंग दे दी ठीक है, दोबारा रख रहा है अगले ही सेकंड। हाँ 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 निकालो बाहर इसको, ना ना आजा आजा आजा, तू अंदर रह ले, कोई नहीं तू तो हार चुका है ऐसे भी, ना हार चुका है तू, हार चुका है, हार चुका है, आजा। तुम चार लोग बचे हो, अब मैं पहली पूछ रहा हूँ, जो जो सही जवाब देगा उसको मिलेगी कोल्ड ड्रिंक। अंकित मुझे पता है तू क्या कह रहा है, ओए पेनल्टी और लगा देंगे तेरे ऊपर भाई। हमारे पास में दो कोका कोला है छोटी, एक फ्रीज है, एक लिमका है और एक ये कोई ऑरेंज वाली ड्रिंक है। चलो भाई, गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, ऐसा कौन है जो दूध और अंडा दोनों देता है, बताओ भाई। हाँ जो ऐसा कौन है जो देता है यार, गाय तो, गाय क्या देती है, डेयरी वाला, गाय क्या देती है, बेचता है दुकान वाला, है दुकान वाला। ले क्या पिएगा बता, कोका कोला पिएगा, फीस पिएगा, लिमका पिएगा या फिर क्या पिएगा बता। ले भाई इसको फीस दे दो, माने एक मौका दे यार, देख रहा है ना, ना ना नहीं कोई मौका नहीं, बाहर चलो, नहीं नहीं। अरे भाई क्विट हो गया यार, वो उन लोगों की क्या गलती है बता, देख फिर तूने अभी हाथ रखा यहाँ पे, हाँ तो बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, ना 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 आ जा, गलती तो एक गलती माफ नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। वो बेचारे उनके चेहरे पे दया देखो, उनके चेहरे की हालत देखो, वो लोग कर रहे। ऐसी कौन सी चीज है जिसके चार पैर है पर वो चल नहीं सकता फिर भी, क्या पिएगा बता। बोल है कोला, थैंक यू बॉस, ले जल्दी बताओ फटाफट बताना। एक खरगोश ने नदी की ओर जाते समय छह हाथियों को देखा, हर हाथी ने देखा कि दो बंदर नदी की ओर जा रहे हैं, हर बंदर के हाथ में एक कछुआ होता है, कितने जानवर नदी की ओर जा रहे हैं। मोहित तूने गो खाना छोड़ दिया, क्या तुम लोगों ने गाली खाना छोड़ दिया। ले तो ले भाई, सवाल का जवाब हाँ बताए तो भी फंसे, ना बताए तो भी फंसे भाई। इसने जो है कोका कोला वापस दे दी थी और मैंने रिटर्न में इसको कुरकुरे दे दिया, ऐसे नहीं दिया। गाइस अब अंधेरा होने वाला है और चार लोग अभी भी अंदर हैं, ये चारों अभी भी अंदर हैं। अब थोड़ी बहुत देर में भाई एकदम रोशनी ख़त्म हो जाएगी और ये लोग काफ़ी देर से अंदर फंसे हुए हैं, चारों में से कोई सा भी अब निकलने को नहीं कह रहा है और अब ये चीज़ें मांगना भी बंद कर दिए हैं, तो इनको थोड़ी बहुत देर में प्यास व्यास लगेगी तो मांगेंगे। भाई हम लोगों को थोड़ी सी दया आ गई इन लोगों के ऊपर और इसीलिए चाय मंगवाई इनके लिए। एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम में से कोई भी जवाब दे सबको चाय मिल जाएगी, ठीक है। आप एक अंधेरे कमरे में हो और आपके पास मोमबत्ती, दिया और एक लालटेन है, तो आप सबसे पहले किसको जलाएंगे। चलो दूसरा, अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, वो बिना सोचे समझे जवाब दिया तो हम चाय पी लेंगे और चाय चली जाएगी, ध्यान रखना। एक आदमी को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, छींक आती रहती है उसको, लेकिन उसको लोग छोटे लाल कहकर बुलाते हैं, बताओ ऐसा क्यों है। उसका नाम होगा, छींक आती होता नहीं तो उसको दे दो चाय, दे, उसका नाम ही छोटे लाल है तो छोटे लाल ही बुलाएंगे ना, भले इसको ठीक आए या उसको खांसी आए। चलो इस सवाल का, इनको चाय तो दे दो, बाद में दे देना जवाब, कोई टास्क पे लेंगे इनसे, सोच लो तब तक, सोच लो तुम तो थोड़ा सा करवा ले यार, तो मां में सीढ़ी थोड़ी सी वो सारी रखी थी एक साथ में, अरे पर्दा मेरे मोहित, मोहित बच गया, बाहर निकल, बाहर निकल। गाइस एक और बंदा हमारे जाल में फंस गया, निकल। अरे तो बाहर तो रख ही दिया ना हाथ, बाहर की चीज को, चाय लेने के लिए बाहर आया विकास और चैलेंज से बाहर।
भाई मैंने प्लान बनाया था कि नीचे जाऊंगा, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि इस पैर में जो उंगली टूटी हुई है उसमें चोट लग सकती है। बस हवा निकल गई। अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों के पास तुमको दिए जाएंगे 5 मिनट, और जैसे हमने स्नोमैन बनाया था ऐसे अब तुमको बनाना है यहाँ पर सैंडमैन, ठीक है, मिट्टी से इंसान बनाना है जैसे स्नोमैन होता है, और जो सबसे अच्छा बनाएगा वो किसी एक बंदे को बाहर निकाल सकता है। क्या मतलब है यार? चलो उसको एलिमिनेट होने से बचने के लिए भी कुछ ऑप्शन दिया जाएगा। चलो ठीक है, चलो तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है इन 3, 2, 1 गो। बनाओ बनाओ बनाओ। थ्री टू वन बस बंद 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 लीव 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 बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ईमानदारी से बताएं तीनों में बढ़िया कौन सा है? ईमानदारी से मेरा, उसका तो ऐसे लग रहा है कि मुंडी काट के अलग से रखी गई हो। अरे तो मिट्टी है यार। तो ये क्या कबूतर, ये क्या क्या बना रखा है ये? कछुआ? नहीं नहीं हम तो यहीं से देखेंगे। और वो तीसरा मोहित का अच्छा है यार, वो कलाकार। चलो भाई इसको जीतता है मोहित। और इसको हार कौन रहा है? सबसे खराब करतार का इसने सबसे खराब बताया है, तो मोहित कर तू एलिमिनेट कर सकता है चाहे तो। चल भाई करतार को मिर्ची खिला दो या करतार बाहर निकल जा। ये फंस गया सी है। मिर्ची दे दो, मिर्ची दे दो इसको, इसने कह दिया मिर्ची खाने की। सामान तो देने लो, ओए खावा खाना को ले लो, खानो ले लो। हाँ सुबह 9 बजे भाई अब इनको देंगे अलग टास्क। और यहाँ पर भाई मेरे पास में है चावल और मूंग, और अब मज़ा आएगा। तीन लोग हैं यहाँ पर तो 3 प्लेट तैयार करेंगे। चलो भाई आ जाओ, तुमको ये मूंग में से चावल अलग करने हैं तीनों को, टास्क है ये, और जो ये करेगा उसको मिलेंगे 10,000 रुपये। भाई 10,000 रुपये का टास्क है, इस मुंह में से जो चावल अलग करेगा, जो जल्दी अलग करेगा उसको ऊपर आ, ऊपर आ, मैं नहीं आ सकता नीचे, मेरे पैर में लगी है। भाई ये लोग भी बोर हो रहे थे, सोचे इनको कुछ दे देते हैं। अब देखो तीनों दाल और चावल अलग करने में लगे हुए हैं वहाँ पे। करो करो करो, खाना नहीं है, खाना नहीं है, एक साइड दाल कर दो, एक साइड चावल कर दो। मुझसे नहीं हो रहा भाई, मुझसे नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? क्या हो गया? बाहर जाना चाहते क्या? हो गया क्या? हो गया मुझसे नहीं हो रहा, बाहर जा रहे क्या? क्या नहीं हो रहा? तो चल 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 चल, वो मत कर, वो कर लेंगे। तैयारी करो यार, क्या क्या दे रहे हो तुम लोग यार? तुम मत कर, 10,000 चाहिए थे तुझे, तू आया था बाकी सबसे पहले। तैयारी करो, बाहर जाओ, चक्कर आ रहे मुझे यार। तो भाई इस लड़की को चक्कर आ रहे हैं, क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं, कमजोर इंसान है बेचारा। अरे यार थोड़ी देर और रह लेता, ओढ़ लेता, वहाँ पे तौलिया पड़ा था एक। ओढ़ रखा है मैंने। भाई साहब 2 लोग बचे अब। ओए अब तुम 2 लोगों में से एक बंदा जीतेगा 1,00,000। पानी बहुत ज्यादा गर्म है यार, फिर भी इसको पीना पड़ रहा है। और गाइस धूप सामने देखो इतनी ज्यादा आ रखी है, क्योंकि सूरज हमारे सामने ही है, बिल्कुल बिल्कुल सर पे है, और इतनी ज्यादा धूप लग रही है ना। ऐड आती थी कौन सी, ग्लूकोन-डी वाली, जो उससे और निकालता था वो सूरज, वो यार। हाँ मतलब पूरी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और मैं गाइस ये कर रहा हूँ सूरज की रोशनी से बचने के लिए अपने ही पैरों पे सनस्क्रीन का वो काम करने के लिए। मुझे लगा शायद मिट्टी से थोड़ी बहुत कम लगेगी मुझे, क्योंकि गिली मिट्टी है। भाई करतार ने जो है मूंग में से चावल अलग कर दिए हैं, और इसीलिए ये लेते रहे 10,000। अच्छा ये 10,000 वो 1,00,000 से अलग है ना? हाँ ये अलग है। अरे वाह फिर दिखे ला। मिल गया 10,000 रुपये। गाइस अब आएगा मजा, आ जाओ। भाई साहब यहाँ पर हमारे पास में है बलून्स। तुमको गर्मी लग रही है ना? गर्मी लग रही है ना? किसको लग रही है बोल?
गर्मी, गर्मी किसको लग रही है बोल। चले अरे वेस्ट मत करो, निशाना बना के मारो। मैंने तो एक ही मारा, निशाने मारा वो। अरे उसके लिए ना कवर, उसको बाहर निकाल। हाँ भाई अब इन लोगों को फर्क पड़ना ही बंद हो गया, मिट्टी में लोट पोट रहे हैं। पूरी धूप हो चुकी है फिलहाल और सिर्फ आधा घंटा बचा है, अगर ये नहीं निकले तो इन दोनों में बढ़ जाएंगे 1,00,000। गाइस ये लोग ना हमें परेशान कर रहे हैं बाहर निकालने के लिए, पर हम लेकिन लेकिन गाइस हम नहीं निकलेंगे, हम इनको परेशान कर रहे हैं। क्योंकि मिट्टी से हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस प्रॉब्लम है तो धूप से है। लिक्विड एस, इनको नहीं सुना मैंने क्या बोला, ये है चुपचाप ही छिड़कूंगा, जब इनको पता ही नहीं रहेगा। राहुल तू बाहर चला जा भाई, यार ये पानी डाल के गड़बड़ कर दी, ठंड हो गई। ना 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 ऐसे कर देंगे, ठंड हो गई। नहीं वो अभी उमस हो गया अपन ने। ना 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 ना, पानी से हो जाए यार, तब जो मजा आता है। वो पानी पानी की भाप बनेगी। क्या बनेगी? भाप बन के फिर और ज्यादा गर्मी होगी। उमस हो रही यार, सच में उमस हो जाती है। मान क्या 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 है तुम्हारा, क्या हुआ? डाल दिया दुल्ले। मेरे ऊपर ही आ गई यार। अरे रुक जा, मेरे ही ऊपर आ गई यार ये उड़ के, क्योंकि हवा इधर की थी। डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, छिड़क दो छिड़क दो छिड़क दो छिड़क दो। ना ना ओए अंकित, ओए ऊपर मत डाल, गड़बड़ हो जाएगी। खुद ना रे वहाँ, खुद ना पर वहाँ। भाई वो खुद ही फंस गया वहाँ पे, छिड़कने गया था अंदर और इन दोनों लोगों के, और पता है अंदर हवा भी नहीं चलती, बाहर हवा तो। ये रहा ढक्कन, ये लो। क्या हुआ, आधा घंटा ही तो है, आधा घंटा तो रह लोगे बदबू में। भाई एकदम शांत तो रखे थे, अब देखो कैसे फुर्ती में आ गए एकदम से दोनों जने। भाई अब सांस लेने के लिए दूसरा मगरमच्छ बाहर जाएगा। जो नीचे पड़े थे अब वो ऊपर आ रहे हैं सांस लेने के लिए, उसकी तरह मेंढक की तरह या मगरमच्छ की तरह। क्या हो गया, क्यों निकाल दी इसने? ब्लैक और पहन रखी थी धूप में। भाई धूप में हमारी हालत खराब हो गई यार। करता तेरा हार्ट टच हुआ, तू बाहर है, राहुल जीत जाएगा अपने आप ही। ले भाई गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये भाई ऐसे करके अपने चैलेंजर्स को बाहर किया जाता है। क्या किया इसने, मैं तो देख नहीं रहा था। मार दिया, वो ऐसे खड़ा था आराम से, ये जाके धक्का मार के नीचे। हाँ तो कैसा लग रहा है आपको एलिमिनेट होके, क्विट करके? क्विट किया ना तूने? नहीं। अरे उसपे उसपे उसपे, ये तो हो गया बाहर। गाइस ये है कीचड़ वाला पानी। पहली बार गद्दार के साथ गद्दारी हुई है। गद्दार के साथ गद्दारी। अरे लग जाइए लग जाइए। अब तो निकल सकते हैं। करता तू उसको पकड़ के निकाल ले जबरदस्ती, तू भी हमारे 1,00,000 बच जाएंगे। हाँ और क्या, तेरे साथ गलत किया उसने, उसने तेरे साथ गलत किया, तू भी उसको बाहर निकाल दे पकड़। उसने भी तो धक्का मार के लगाया है। करता निकाल दे निकाल दे पकड़। निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। ले भाई ले। क्या विनर नहीं, कोई विनर नहीं है, कोई विनर नहीं है, पैसे बच गए भाई। तो भाई सारे लोग निकल गए, तू निकल के क्यों भागा बाहर? बाहर क्यों भागा है?
विनर नहीं है, विनर तो जब होता ना जब पूरा करता, जब चैलेंज सब बाहर हो गए ना। नहीं नहीं तो तुम ही बाहर हो गया भाई साहब। इस चैलेंज में मजा आया क्योंकि इसमें मैं खुद दुखी नहीं हुआ क्योंकि मैं तो बाहर था, बस धूप है, लेकिन मजा आया, सबके खूब मजे लिए हमने। और अब इनको जो है पैसा दे देते हैं गाइस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तैसी करवाई इन्होंने अंदर और हमने बहुत सारे मजे लिए हैं। और आप लोग वीडियो के लिए लाइक कर देना भाई सब लोग, ठीक है? इधर गरम जल की इधर आओ, मैं बहुत ही खुश हूँ। और अरे विनर तू थोड़ी है, इधर आओ। अब देखो भाई ऐसे तो तुम दोनों लोग ही हार गए क्योंकि तुमने 24 घंटे नहीं किए, लेकिन सिर्फ आधा घंटा बचा था, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इन दोनों को पैसा हमको देना चाहिए है। ये नहीं है, यही है। हाँ, इधर तो आओ यही है भाई, यार उसमें। अरे यही है हमारे यहाँ करतार जो है वो पहले आ गया था, तो इसलिए ये तो जीत ही नहीं सकता था, इसका तो चांस ही नहीं था, ठीक है? लेकिन इसने भी बहुत ज्यादा टाइम तक मेहनत करी और राहुल ने 24 घंटे पूरे नहीं किए, इसलिए हम इसको 1,00,000 नहीं देके दे रहे हैं, 80,000 रुपए ये हुए राहुल के और ये तेरे जो तूने इतनी मेहनत करी उसके लिए, ठीक है? 10,000 तूने पहले भी तो ले लिए थे, वो तो अलग थे ना, वो तो मूंग दाल के थे, मूंग चावल के, चावल मूंग अलग करने के। तो नहीं कोई नहीं वापस दे ला। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस चैलेंज के अंदर। अब भाई आज जाकर के थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है दिमाग, क्योंकि दिमाग यार बहुत अजीब हो रखा था जब से मेरे पैर में लगी थी, लेकिन आज आया बहुत सारा मजा। तो सब लोग वीडियो के लिए लाइक करना जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और मजेदार चैलेंजेस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और इन दोनों के लिए भी और सभी कंटेस्टेंट के लिए लाइक करना जरूर से बनता है भाई, ये लोग बड़ी मुश्किल से पड़े रहे हैं भाई, मुझे पता है क्योंकि हमारी बाहर हालत खराब है। चलो बाय बाय।